नमस्कार, आज की खास खबर में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि वो आगामी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन पार्टी ने लोकसभा चुनाव का टिकट दिया तो वो उनके आदेश का पालन जरूर करेंगे। सिंह ने शनिवार को राजगढ़ जिले के खिलचीपुर शहर में पत्रकारों से बात करने के दौरान कहा कि चुनाव लड़ने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि मैं राज्यसभा का सदस्य हूँ और अभी भी राज्यसभा के कार्यकर्ता में से 2 से अधिक साल का समय बाकी है। दिग्विजय सिंह का कार्यकाल 2026 में खत्म होना है और हाल ही में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस लोकसभा की तैयारियों में जुट गई है और कोशिश कर रही है कि विधानसभा चुनावों में मिली हार को भुलाकर अब लोकसभा की तैयारी की जाए, जिसके लिए उम्मीदवारों का चुनाव शुरू कर दिया गया है। कांग्रेस इस बार अपने सभी वरिष्ठ नेताओं को चुनाव में खड़ा कर सकती है और जिसमें कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, अरुण यादव, कांतिलाल भूरिया, सुरेश पचौरी और जीतू पटवारी भी शामिल है। हालांकि दिग्विजय ने कहा है कि राजगढ़ से लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व कौन करेगा ये पार्टी तय करेगी। दिग्विजय सिंह 2019 में भोपाल की लोकसभा सीट के लिए लड़े थे, लेकिन उन्हें भारतीय जनता पार्टी की प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने 3,65,000 वोटों से हरा दिया था। राजगढ़ राधोगढ़ विधानसभा क्षेत्र जो कि गुना जिले के अंदर आती है। सिंह ने राजगढ़ से लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व 1984 और 1991 में किया था। फिलहाल मध्य प्रदेश की कुल 29 लोकसभा सीट में से 28 पर भाजपा है और जबकि एक सीट कांग्रेस के पास है। और पिछले साल मध्य प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस का बहुत ही खराब प्रदर्शन देखा गया। 2020 की 3 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव हुआ था, जिसमें दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच खींचातानी देखने को मिली थी। दोनों ही नेता पहली प्राथमिकता पर चुनाव लड़ना चाहते थे, क्योंकि दूसरे नंबर पर चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस के पास 2 वोट कम थे। इसीलिए दोनों में से कोई भी दूसरे नंबर पर चुनाव नहीं लड़ना चाहता था, लेकिन जब दिग्विजय सिंह को पहली प्राथमिकता पर चुना गया और लड़वाया गया तो उसके पास से सिंधिया ने कांग्रेस से दूरी बना ली और उसके कुछ दिनों बाद वो भाजपा में शामिल हो गए।